सुबह सुबह यूनी वगैरह और लपेट कर कहाँ जा रही हो? सब समझती हो फिर भी पागल चाले कर रही हो, देख नहीं रही हो बगल में कुरान हाथ में दीनी किताबें हैं, मदरसे नहीं तो और कहाँ जाऊंगी? बहन मैं मदरसे जा रही हूँ। अरे बहन मैं तो आज तक तुमको रोशन ख्यालों में समझती थी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे बहन ये तारे एकदम दखला मुझसे अब पुराने ख्यालों की है, तुम देखती नहीं है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बहन इस तालीम से ना डिग्री मिलेगी और ना ही सर्विस, तो फिर आगे चलकर जिंदगी में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। अरे तौबा करो बहन तौबा, तुम अल्लाह की जात को भूलकर ऐसी बातें कर रही हो। ओह बहन आप तो बुरा मान गई, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तालीम से ना डिग्री मिलेगी और ना ही सर्विस, तो फिर जिंदगी गुजारने के लिए रोटी रोजी का मतलब कैसे होगा? अरे बहन तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी जिहालत की बातें कर रही हो, तुम पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और रोटी रोजी का मसला अकल और इशारे पर होता तब तक सारे पागल भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, पागल भी जी रहे हैं और खा रहे हैं। बहन हमारा अकीदा तो अल्लाह की जात पर है कि इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, कि अल्लाह जिसको चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क देते हैं। और एक जगह तो इन्हें साफ साफ ऐलान कर दिए है। हाँ तो मुझे बताओ ना क्या है वो? उफ, आपको मालूम नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर जानवर की रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है, ख्वाह वो किसी भी मौका हो। मेरी प्यारी बहन जब रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है तो डिग्री सर्विस पर भरोसा करना ये जिहालत है नादानी, नहीं तो और क्या है? फिर हमें तो सबसे पहले वो इल्म हासिल करना होगा जो हमारे लिए जरूरी है। बहन तो क्या इल्म हासिल करना सबके लिए जरूरी है? हाँ बहन, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और यहाँ तक कि ये भी फरमाया है उदुलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सिन, इल्म हासिल करो अगर चे तुमको चीन तक जाना पड़े। मतलब ये है कि चाहे कितनी ही दुश्वारी पेश आए और चाहे कितना ही दूर जाना पड़े मगर इल्म दीन हासिल करो। अच्छा बहन तुमने बहुत स्कूल कॉलेज पढ़ा है, जरा ये तो बताना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई, उसमें कितने पारे और कितनी सूरतें हैं? बहन मुझे दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, मैं नहीं जानती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी किताब नाजिल हुई और उसमें क्या क्या है। हाय अल्लाह अफसोस सद अफसोस तुझ पर और तेरे माँ बाप पर, क्या तुझको ये तक नहीं बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई, उसमें कितने पारे और कितनी सूरतें हैं? तो फिर नमाज रोजे के मसाइल का क्या हाल होगा? अल्लाह रहम करे। बहन मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करो, असल में इसकी पूरी कोताही मेरे माँ बाप पर जाती है। इन्होंने तो खूब पढ़ाया खूब रुपया लगाया लेकिन दीनी तालीम से मुझे एकदम कोड़ा रखा। अल्लाह तुम्हें हमेशा अच्छा रखे और उसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। अच्छा बहन मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बहन इसमें एहसान की क्या बात, ये तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उसे दीन की एक भी बात मालूम हो तो दूसरों तक पहुँचाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अच्छा बहन ये तो बताइए इल्म दीन हासिल करने से क्या मिलता है? बहन इल्म दीन हासिल करने और उस पर अमल करने से अल्लाह खुश होते हैं और अल्लाह जिस बंदे या बंदी से खुश होंगे उसे सीधे जन्नत में दाखिल कर देंगे। जन्नत क्या है बहन? जन्नत बहुत अच्छी जगह है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे मकानात है, उसमें बड़े बड़े बाग है, उसमें नहरे है और उन बागों में तरह तरह के फल है और ऐसी ऐसी नेमतें है जो ना ही दुनिया में किसी ने देखी है और ना ही सुनी है। और जन्नत वालों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी, जो चाहे खाओ जो चाहे पियो। बहन ये तो हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। हाँ बहन इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। अच्छा बहन ये भी बताओ ना किसी ने इल्म भी हासिल किया ना इस्लामी तरीके पर अमल किया तो उसे क्या मिलेगा? अल्लाह ताला इसे इंसान को जहन्नम में दाखिल कर देंगे। जहन्नम क्या है बहन? जहन्नम बहुत बुरी जगह, अल्लाह दुश्मन को भी इससे बचाए। कैसी बुरी जगह हमें बताओ।
बहन जहन्नम में बड़ी तेज आग है, सांप और बिच्छू है, बड़े बड़े अजदहे हैं, उसमें काफिर हमेशा के लिए और मुसलमान गुनहगार बहुत दिनों तक के लिए डाल दिए जाएंगे। क्योंकि जहन्नम में जाने वाला इंसान आग में जलता रहेगा। हाँ बहन, उसमें जाने वाला इंसान जलेगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह की पनाह, मैं तो आज पक्का इरादा करती हूँ कि पहली फुर्सत में इल्म दीन हासिल करूंगी और अपनी छोटी बहनों को भी सिखाऊंगी ताकि मरने के बाद जहन्नम के खतरनाक अज़ाब से बच सके। आमीन। अच्छा बहन आज तुमसे मुलाकात हुई, वरना मैं तो गई थी। अल्लाह तुझे और तेरे माँ बाप को हमेशा अच्छा रखे और उसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। चलो बहन अब मैं चलती हूँ, जो कि वक्त काफी हो चुका है। अच्छा बहन, जब अगली बार मुलाकात हो तो तुम्हारे सर पर इल्म का रंग होना चाहिए। इंशाअल्लाह बहन, मैं वादा करती हूँ आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।